मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रोहनियाज की एंट्री भारत के अंदर ना होने पाए, इसके लिए बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स को भी हम लोगों ने पूरी तरह से सेंसिटाइज किया है ताकि वह इंश्योर करें कि उनकी एंट्री न हो पाए। फिर भी बड़ी संख्या में रोहनियाज यहाँ पर आ गए हैं और एक लेटेस्ट एडवाइजरी तो इसके पहले भी जारी की गई है, लेकिन एक लेटेस्ट एडवाइजरी जो हमारे गृह मंत्रालय से जारी की गई है फरवरी 2018 को, और उस एडवाइजरी में स्टेट गवर्नमेंट से यह अपेक्षा की गई है कि जितने भी रोहिंग्याज यदि आपकी स्टेट में हैं तो उनकी इन्यूमरेशन यानी उनकी गणना करें कि कितने रोहिंग्या आपके स्टेट में हैं, साथ ही उन्हें आप आइडेंटिफाई भी करने का काम करें और एक जगह उनको कन्फाइन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोहिंग्याज आपकी स्टेट में चारों तरफ बिखर कर रहें, कहें जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ जाकर रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी बायोग्राफी भी तैयार करें और उनके बायोमेट्रिक भी लिए जाने चाहिए, यह भी एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ ही उसी एडवाइजरी में हम लोगों ने यह भी कहा है कि उनके मूवमेंट को भी वाच किया जाना चाहिए, इसलिए पूरी सावधानी यह स्टेट्स बरतें इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। जहाँ तक उनको डिपोर्ट करने का प्रश्न है, वैसे यह राइट यह अधिकार राज्य सरकारों का भी है कि वह उनको डिपोर्ट कर सकती हैं। हमारे फॉरेनर्स एक्ट की जो आर्टिकल 3 है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी इस प्रकार का अधिकार है, लेकिन जहां तक रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने का प्रश्न है उस संबंध में राज्य सरकारों से हम लोगों ने यह अनुरोध किया है कि उनकी गणना कराने के बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद कितनी संख्या में रोहिंग्या आपके स्टेट में रह रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आप केंद्र सरकार को भेजें। और हमारे पास जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे और विदेश मंत्रालय फिर जो है बर्मा की सरकार के साथ वह बातचीत करके उनको डिपोर्ट करने का म्यांमार से बात करके उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करें।